चाहते हैं आप? तो वही हमको मृत्यु होगा, आप लोग मट्टी में धर दीजिए, और क्या करना है? तो मृत्यु होगा, ये कैसे कर सकते हैं? तो भगवान के हाथ तो वो है। तो आज को तो आप लोग के समस्या तो बता रहे हैं ना, आज नहीं होगा तब तो आप लोग रहिए। ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये अपने बेटा से क्षुब्ध है। हमारी जो बात कल पहली बार हुई इनसे रात में, हमने भी सुना कि कई दिनों से ये मामला चल रहा है, तो ये कोई सीरियसली लेने की बात ही नहीं है। लेकिन इनसे वैशाली जिले की एक महिला ने अपनी मौत की नियत समय की भविष्यवाणी कर सबको चौंका दिया, जिसने भी महिला के दावे को सुना और भागा भागा उसके घर पहुंचा। सूचना पुलिस तक भी पहुंची, पुलिस ने भीड़ देखकर वहां चौकीदार को नियुक्त कर दिया। उधर समय गुजरता गया और लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती गई, और वो घड़ी भी आ गई जब महिला ने अपनी मौत के समय की घोषणा की थी। लोग एकटक उसे देख रहे थे, महिला की मौत कैसे होती है लोग इसे देखना चाहते थे। हालांकि वो घड़ी आ ही गई लेकिन महिला को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ वहां से निकल गई, लोग महिला को विक्षिप्त बताने लगे। पूरा मामला वैशाली थाना क्षेत्र के दाऊदनगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 की है। 60 साल की जानकी देवी की पति की मौत हो चुकी है। जानकी देवी अपने बेटे से नाराज रहती है, इसी बात से नाराज होकर महिला ने अपने स्वजनों को बताया कि रविवार की रात 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले यानी 4 घंटे के अंदर कभी भी उसकी मौत हो सकती है। बुजुर्ग का कहना था कि उनको यह पूरा विश्वास है कि उनकी मृत्यु निश्चित समय में तय है, उन्हें इसका सपना आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जानकी देवी अपने बेटों के व्यवहार से खुश नहीं है। वो कहती है कि मेरे बेटे ने कभी मुझे माँ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि पति के मरने के बाद मैं अपना जीवन यापन खुद की कमाई से करती हूँ। बताया जा रहा है कि जानकी देवी ने अपने मरने के बाद का इंतजाम भी कर रखा है। जान जाने के बाद अपनी खुद की खरीदी हुई 5 डिसमिल जमीन में मुस्लिम रीति रिवाज से दफन होना चाहती है। इतना ही नहीं, मरने से पूर्व वह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कपड़ा, अनाज और पैसा 25 से 30 फकीरों के बीच बांट चुकी है, और अपनी कब्र खोदने के लिए भी मजदूरों को पैसा दे दिया है। साथ ही कब्र में बिछाने के लिए तख्ती भी रख चुकी है। क्या कुछ कीजिएगा आज? नहीं कुछ। अच्छा नहीं, हम आपको थाना भेजाइएगा, हम मेरे पिंजरा में बंद करके रखना होगा उनको, और उसी पिंजरा में से जा सकते हैं। हाँ, हम कुछ नहीं, कुछ खाने वाला बहुत दिमाग के आदमी, हम नहीं खा सकते हैं कुछ। हमको सजा हर तरीके का हुआ, हम नहीं कुछ भी नहीं करने वाला आदमी, नहीं करेंगे। हमको समाज के बीच में आप 1 लाख के बीच में डालिएगा, मेरे बुलाहट है, हम जा सकते हैं। कैसे समझेंगे आज आपका बुलाहट? कुछ हमारे पास अगर हम जाने समझ, मतलब क्या बताइए, कैसे क्या हुआ, कितना दिन पहले हुआ? 4 वर्ष पहले से जाने। 4 वर्ष पहले से आपको मालूम? जी, हमको आत्मा दिल में बात को रख टाइम आया, हमको बेटा आज के समस्या में यदि हमको समस्या के हल कर देता तो आज हमको समाज में एक टुम बात कहने के मौका किसी को नहीं दे सकते। इसलिए हमको समस्या को बेटा हल करने के नहीं चाहे तो समाज को बिटूर करके कहने के मददगार मांगने की हम चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? तो वही हमको मृत्यु होगा, आप लोग मट्टी में धर दीजिए, और क्या करना है? तो मृत्यु होगा, ये कैसे कर सकते हैं? तो भगवान के हाथ तो वो है। तो आज को तो आप लोग के समस्या को बता रहे हैं ना, आज नहीं होगा तब तो आप लोग रहिए। अभी टाइम है 12 बजे के बाद से, उसके बाद से समस्या हमारा आने वाला है। उस आप लोग हमको पास रहिए, जो करना होगा से आप लोग चेक कीजिएगा। 12 बजे के बाद कितने बजे? वही 12 बजे के बाद से 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, उसके बाद से है। आपका बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ से हम नहीं कह सकते। कितना बेटा आपको? 1 है। और बाल बच्चा? 2 बेटी। कहाँ है बोलो? वो कहा बेटी के रखे हुए है। अब बेटा कहाँ है? नहीं जान सकते हैं कहाँ से। आपका नाम क्या है? जानकी। जानकी देवी। आपकी सास माँ को क्या हुआ है? पहले से कहे थे हम इतना दिन के डेट पर, पहले शुक्र के दिन बोतल थी, शुक्र गुजर गल, शनिचर गुजर गल, इतवार भी गुजर गल, आज सोमवार के डेट कहे थे सोमवार के हमारा भोर में ऐसा बोलो बात हो वाला है। तो इनका इच्छा मुकाल उनका बेटा भी कहल कि बोलू बार समान बोलू साबित बोलू पूरा हो जाए तो तुरा इच्छा मुकाल बोलू वही काम बोलू हो, अगर ये बात न हो तब अपना हिंदू बोलू तरीका से बोलू कर। तो ये कब से कह रही हैं इस तरह का? यहाँ से ना 4 साल पहले से बात होकर रही थी कि आज मरम, बिहान मरम, 2 महीना मरम, 4 महीना मरम, 6 महीना में मरम बरू। अच्छा, ये नजदीक समय आ गई तब इसे कर रही थी। तो आज के डेट है? आज के भोर में 4 बजे के का डेट है इनका, 4 बजे तक। अच्छा, तो 4 बजे तक गुजर गया समय? 4 बजे भोर के बात है। अच्छा, आज सुबह आज के भोर के? हाँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत है इनको, घर में क्या प्रॉब्लम है?
अब का दिक्कत है तो ये माय बेटा के नहीं का मामला है कि अपनी माय बेटा ना समझता थी बीच में हम का कर सके ले। तो बेटा कहाँ है इनका? इनका बेटा कल 10 बजे निकलत काम कर उनका अभी फोन गए वही हथिन। कहाँ काम कर रहा है? काम करे गए थी ना बंधु गाँव गए थी अभी ने फोन कर ली तो कहते कि ठीक हुआ वही बारी बोलू। का नाम है अपने के? किनका? हमारा हाँ? सुनीता देवी। आपकी पंचायत की महिला है और इन्होंने ये आज अपनी मौत की जो तारीख है वो तय कर दी है, क्यों ऐसा क्यों है और क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे? देखिए मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये अपने बेटा से क्षुब्ध है। हमारी जो बात कल पहली बार हुई इनसे रात में, हमने भी सुना कि कई दिनों से ये मामला चल रहा है, तो ये कोई सीरियसली लेने की बात ही नहीं है। लेकिन इनसे बात करने पर ये पता चला कि ये अपने बेटा से बहुत क्षुब्ध है, जिसके कारण ये समझ रही हैं और सोच रही हैं, कह रही हैं कि हम इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हमारे हिसाब से। हम तो मेडिकल ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रशासन की टीम आई थी? नहीं, प्रशासन भी सीरियस है, वो भी नज़र बनाए हुई है, सहयोग है प्रशासन का। अच्छा, और इस पर बात भी चल रही है। तो 4 साल पहले से ये कर रही हैं कि? नहीं, 4 साल से नहीं कर रही हैं, कहते हैं बहुत इधर ही शुरू किया है, पहले से बोलती थी। क्या हो रहा है पंचायत स्तर से? आप स्थानीय मुखिया हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इस पर? क्या ये तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं, इन सबको समझाया जा रहा है, समाज को समझाया जा रहा है कि अभी जब तक इनकी सांस चल रही है इनकी फिक्र की जाए। अब वो कैसे कहा जाए कि कोई नहीं कह सकता है, जीवन मृत्यु तो अपने हाथ में है नहीं। अब ये कह रही हैं कि हमारे हाथ में है, इनको पता है, तो हमको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में है और इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? रहमानी, मुखिया राहुल नगर।